हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है यहां पे, आप देख सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसमें मैंने एरे का यूज किया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यही सी लैंग्वेज में एरे की पहचान होती है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में मैंने ये बताया है कि क्या क्या चीजें प्रिंट होकर आनी चाहिए, और बाकी यहाँ प्रिंट एफ लिख करके इनको प्रिंट करवाया है, देख सकते हैं। और आपको ये पता होगा ही कि एरे की बाई डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। मतलब यहाँ तीन लिखने का मतलब है कि इसमें चार एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ तीन ही कराया है, ठीक है। तो अभी यहाँ ब्यूल्ट में चल के इसको एक बार कंपाइल करवा लेते हैं। तो एक बार कंपाइल करवाएंगे, अगर कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। और कंपाइल्ड होने के बाद अब इसको बारी है रन करवाने की, ठीक है। तो यहाँ से चल करके इसको रन करवा लेते हैं। तो रन करवाने के बाद आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू मैंने पहले दिया था 90, तो यहाँ 90 प्रिंट होकर आया है, फिर 75, फिर 88, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग 75 प्रिंट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जीरो ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, हालांकि यहाँ पर कहीं लिखा नहीं हुआ है जीरो। यहां पर जो लूप चलाया गया है वो जीरो से लेकर थ्री से लेस चलाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये लेस देन का साइन है। लेस देन का मतलब तीन से कम यानी दो, यानी टू की बात कर रहा है ये। तो जीरो वन टू, तो जीरो में यानी मार्क्स जीरो में स्टोर होगा 90, और मार्क्स वन में स्टोर होगा 75, और यहां पर 88 जो है मार्क्स टू में स्टोर हो जाएगा। और लेस देन दिया गया है यहां पर कंडीशन, इसके वजह से टू तक ही चलेगा ये लूप। तो इसी की वजह से ये रिजल्ट आपको मिल रहा है, ओके?